फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस है तेलीबाग में हिमालयन पिज़्ज़ा, बहुत टेस्टी और यम्मी पिज़्ज़ा बनाता है। आज एनिवर्सरी है हमारी, तो हमने सोचा एक बार चल के वहाँ पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं और आप लोग से भी शेयर करते हैं वहाँ की। तो एटलीस्ट जो लखनऊ वाले वो एक बार जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं और एक टेस्टी सा पिज़्ज़ा खा सकते हैं। ये हिमालय पिज़्ज़ा का मेन्यू है। पहले ये एक बहुत छोटी सी स्टॉल लगाता था, बट अभी क्या क्या है, इसने एक शॉप ले ली है छोटी सी। और ये है हमारा पिज़्ज़ा जो देखने में बहुत यम्मी है, डबल चीज़ पिज़्ज़ा है ये। और फ्रेंड्स, मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा नहीं पसंद है, बट हाँ, यहाँ का मैं एक दो स्लाइस पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन डोमिनोस ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एक स्लाइस निकाला और मोनू जी को देखिए खाते हुए, बस इनको जहाँ से मिलता है बस शुरू हो जाते हैं। और यही बंदा है, अगर पिज़्ज़ा ख़त्म नहीं हो रहा तो लास्ट में ख़त्म कर देगा ये। बाकी यहाँ पे फास्ट फूड भी मिलता है, चाइनीज़ की जो सारी डिशेज है, लाइक बर्गर भी इनका बहुत टेस्टी होता है, बर्गर है, पाव भाजी है, ये सारी चीज़ें भी ये बहुत टेस्टी देते हैं। तो एक बार आए तेलीबाग और विज़िट करें आप लोग। सो माई यूट्यूब फैमिली, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और आज कितने इयर्स कंप्लीट हुए? 5 साल 4 साल कंप्लीट हो गया, 5वां अब लगता है। सॉरी तो हमारा 5वां साल स्टार्ट हो गया, 4 साल सक्सेसफुल्ली इन्होंने मुझे झेल लिया है और मजाक में निकल गया और हम लोग जस्ट बाहर से अभी आए हैं, थोड़ा पिज्जा वीजा खा के, ज्यादा कुछ मन नहीं था, पूरे दिन देवा शरीफ में रहे, उसके बाद में आए, काफी थक गए थे क्योंकि यहाँ से काफी दूर है, फिर बस गए तो पिज्जा खाए, उसके बाद हमने सोचा केक घर पे ही काटेंगे क्योंकि कोई साथ में था नहीं, भाई था वो चला गया, तो चल रात में आराम से आएंगे, केक अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ काटेंगे। बिल्कुल, आप भी हम लोग, हमारे फैमिली है आप लोग। बिल्कुल, तो बस पहले हम ये स्लाइस सबसे पहले आप लोग के लिए, उसके बाद मोनू जी के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी, मुझे थोड़ा सा तोड़ दिख रही है। बहुत यम्मी केक है, केक तो भाटिया बेकरी का केक बहुत अच्छा है। लखनऊ में भाटिया बेकरी है जिसका केक बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, यम्मी होता है। मिलू, मैं तुमसे आज एक बात कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर रोज कहते हैं कुछ नया कहना चाहिए। अब मैं आपके, इसकी जो कहानी हम लोगों की है वो कभी समय आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूंगा, सेकंड टाइम जब मैं देखा था, फर्स्ट टाइम तो कुछ और थी, तो मैं
मैं देख सकता हूँ, बताऊंगा वो भी कहानी बताऊंगा, एक समय आएगा वो भी कहानी बताऊंगा। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत इज्जत से मैंने देखा था, इज्जत से तो हमेशा देखता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम तो थोड़ा दूसरे टाइप का देखा था, लेकिन जब सेकंड टाइम देखा तो दिल आ गया मुझे इस पे, कसम से मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आज मैं बता देता हूँ बहुत प्यार करता हूँ। मुझे रोज रोज नहीं लाएगा मेरे लिए। ओके एक मिनट, चलिए फ्रेंड्स बाकी अब हम लोग खाने वाला देखते हैं। ज्यादा कुछ खाया नहीं था, स्नैक्स में बस पिज्जा खाकर ही आए थे। भौजी से मैंने बोला है कुछ बनाइए, तो देखती हूँ मैं वो क्या बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को भी बताती हूँ। और हाँ, देवा शरीफ का वीडियो हम लोग ने डाल दिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा, जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। केक कट गया है और आज मेरी मोटू ने कही थी कि आज उनको मटन खाना है, तो मटन में वो पीस तो खाती नहीं है लेकिन बस वही ग्रेवी खाती है, तो मैंने आज मैंने मटन बनाया हूँ। भाई आपका भाई मटन एक नंबर का बनाता है, एक नंबर का, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाया हूँ। और बाकी मेरी जो मोटू मेरी चावल बनाई है और मैं मटन बनाया हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने मटन बनाया हूँ एक नंबर का, ये या देख रहे हैं कितना जबरदस्त। मोनू जी ने मटन बहुत टेस्टी बनाया था और हमारा डिनर हो गया है। वैसे मटन मुझे थोड़ा कम पसंद है, बट हाँ उसकी ग्रेवी मैं खाती हूँ जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगी। और फ्रेंड्स आज बहुत थक गए हैं, मॉर्निंग से देवा शरीफ, उसके बाद में आके शाम में फिर हम लोग गए पिज़्ज़ा खाने, फिर वापस आए, उसके बाद मटन बनाने में इतना टाइम लगा, फिर केक कटिंग सब कुछ, और रात के 11 बज चुके हैं। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपसे कल फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर ब्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें फ्रेंड्स। ओके बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि फ्रेंड्स।